हेलो गाइस, टेक न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले रिपोर्ट की बात की जाए तो सैमसंग ने टीज़ किया है, सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 3 ऑफिशियली ट्रेलर उन्होंने लॉन्च किया है, जो कि अनपैक्ड इवेंट में 11 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। गाइस, नेक्स्ट रिपोर्ट की बात की जाए तो सैमसंग जो है अनाउंस्ड कर रहा है UI 4.0 बीटा वर्जन, जो कि बेस्ड होगा एंड्रॉयड 12 पे। नेक्स्ट रिपोर्ट की बात की जाए तो गूगल जो है काम कर रहा है स्विच टू एंड्रॉयड, खास करके iOS के एप्लीकेशन जो भी आते हैं उसमें स्विच टू एंड्रॉयड का ऑप्शन आएगा, इसको लेकर के जो है गूगल काम कर रहा है। नेक्स्ट रिपोर्ट की बात की जाए तो एप्पल के रिपोर्ट के अनुसार बीते 3 महीने में एप्पल ने 50% जो है अपना इंक्रीमेंट किया है आईफोन सेल्स को लेकर के। नेक्स्ट रिपोर्ट की बात की जाए तो सोनी लॉन्च कर रहा है ZV-E10, जो कि इंटरचेंजेबल लेंस के साथ आएगा और ये खास करके ब्लॉगर के लिए लॉन्च हो रहा है। नेक्स्ट रिपोर्ट की बात की जाए तो सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 एंड वॉच 4 क्लासिक उन्होंने टीज़र जो है शो किया है, जिसमें गूगल मैप एंड प्ले स्टोर इनबिल्ट होगा। नेक्स्ट रिपोर्ट की बात की जाए तो ZTE Axon 30 5G लेकर आ रहा है UD कैमरा स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट के साथ, साथ ही साथ जो है उसमें 55W चार्जिंग भी आपको मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट रिपोर्ट की बात की जाए तो ZTE बर्ड्स एंड लाइव बर्ड्स प्रो अनाउंस्ड हो गया है 500 mAh बैटरी के साथ, और जहां तक प्राइस की बात की जाए तो अभी प्राइस निकल के आया है 169 yuan। अब नेक्स्ट रिपोर्ट की बात की जाए तो नथिंग एयर 1 ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है उन्होंने, जो कि July 31 को आ जाएगा ब्लूटूथ 5.2 के साथ। नेक्स्ट रिपोर्ट की बात की जाए तो LG जो है लेकर आ रहा है अपने 2 नए टोन फ्री ईयरबड्स, जो कि UV सेल्फ क्लीनिंग के साथ आएंगे और साथ ही साथ उसमें एंटी नॉइस कैंसिलेशन भी होगा। MediaTek लॉन्च कर रहा है अपना नया चिपसेट, जो कि 4 नैनोमीटर पे बेस होगा और रिपोर्ट की माने तो ये साल के अंत तक आ जाएगा। इसी तरीके के और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल का नाम है रिव्यू अपडेट, और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।